हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि गर्मियों का मौसम आ चुका है और सभी को ड्रिंक्स, स्मूथीज और शेक बहुत पसंद आते हैं, तो उन्हीं में से एक शेक हम आज बनाएंगे, मैंगो शेक। और मैंगो शेक सभी का फेवरेट होता है, तो इसको आज हम बनाएंगे घर पर बहुत आसान तरीके से। तो मैंगो शेक बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए हैं 2 आम, जिसको मैंने काट लिया है क्यूब्स में। आप चाहें तो इसको मोटा भी काट सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको बारीक काटेंगे तो ये आसानी से पिस जाएगा। तो सबसे पहले हम एक ग्राइंडर जार लेंगे और उसमें डालेंगे हम कटे हुए आम, और एक आम में 2 ग्लास मैंगो शेक आसानी से बन जाता है। तो यहाँ मैं 4 ग्लास मैंगो शेक बना रही हूँ, और 4 ग्लास मैंगो शेक में यहाँ मैं शुगर ले रही हूँ 1 ग्लास में 3 टीस्पून। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज्यादा रख सकते हैं, अगर आपको लगे कि आम खट्टा है, कम मीठा है, तो आप मीठा बढ़ा भी सकते हैं। और थोड़ा सा यहाँ हम डालेंगे दूध, यहाँ मैंने 2.5 गिलास लिया है फुल क्रीम, बिल्कुल ठंडा दूध। फुल क्रीम दूध का मैंगो शेक बहुत अच्छा बनता है, तो थोड़ा सा यहाँ हम इसमें दूध डाल लेते हैं ताकि आम आसानी से पिस जाए। सारा दूध हम एक साथ नहीं डालेंगे, पहले हम इसको अच्छे से एक फाइन प्यूरी बनाकर पीस लेंगे। तो अब इसको हम खोल कर चेक कर लेते हैं, तो देखिए आम के जो हमने पीसेस डाले थे वो बिल्कुल पिस चुके हैं। अगर आपको लगे कि आम के टुकड़े नहीं पिसे हैं, तो आप बीच में मिक्सी को रोककर और स्पून की सहायता से चलाकर इसको बारीक प्यूरी बना सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे दूध, तो मिक्सी का जार इतना बड़ा नहीं होता कि सारा दूध और आम एक साथ आ जाए, तो जितना दूध इसमें आएगा उतना हम डालेंगे। इसे हम ज्यादा भरेंगे नहीं, नहीं तो ये बाहर निकल सकता है। और जो पल पीस कर तैयार होगा, आप चाहें तो उसको जग में जितना दूध बच जाएगा उसमें मिक्स कर इसको सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ हम डालेंगे दूध, अब इसमें हम डालेंगे बर्फ। बर्फ आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा डाल सकते हैं। और अब हम इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जो दूध बच गया है इसमें हम इसको मिक्स कर देंगे। और अब हम इसे स्पून की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम मैंगो शेक को सर्व करेंगे। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा आम बारीक काट लिया है, तो कटा हुआ आम हम थोड़ा सा डालेंगे और इसको थोड़ा सा फैला लेंगे, ताकि जब हम मैंगो शेक सर्व करें तो ये देखने में और भी अच्छा लगेगा। ये ऑप्शन है, आप चाहें तो डालें और आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे मैंगो शेक, और अब इसके ऊपर मैं डालूंगी थोड़ी सी वनीला आइसक्रीम। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालें, और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये बिना आइसक्रीम के भी बहुत टेस्टी लगता है। और इसके ऊपर मैं डालूंगी थोड़े से कटे हुए काजू। आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद हो वो सर्व करने में यूज कर सकते हैं। और थोड़े से मैं डालूंगी इसके ऊपर बारीक कटे हुए पिस्ते। तो लीजिए, मैंगो शेक बनकर तैयार है और आप इसको बहुत आसानी से घर पर बना सकते हैं। आपको मैंगो शेक की रेसिपी कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं।